सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना CFPGS के अंतर्गत खौफ की मदद सायरन नामक एक नाटक की प्रस्तुति से की गई, जिसके माध्यम से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और जागरूकता जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की गई। विदिशा से आए कलाकारों द्वारा इस नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। इस नाटक में पुलिस की जिम्मेदारियों की शानदार प्रस्तुति दी गई। यह कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं आम जनता मौजूद रही। और एक अच्छी बात बताऊं मैं आपके लिए कि एक बार मैं जब मैं भोपाल अप डाउन करता था तो ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलते थे। किसी ने पूछा क्या करते हैं, मैंने बोला कि मैं थिएटर करता हूं। तो बोलते अच्छा आप सिनेमा में करते हैं, मतलब उनको ये पता नहीं है कि थिएटर और सिनेमा क्या है, रंगमंच क्या है। मैं उनको बताता था कि हम रंगमंच करते हैं, मंच पर जो नाटक होते हैं, तो लोगों को भी पता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग कुछ हैं उनको तो पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं बेचारे उनको पता ही नहीं है रंगमंच क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि मैं गांव-गांव में लोगों को ये पता चले कि रंगमंच आखिर है क्या। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें देता है, सिर्फ यही नहीं है कि हमने एंटरटेन कर लिया। एंटरटेन तो होता ही है, लेकिन इससे सीखने को बहुत मिलता है। बुधनी में मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह जब विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क करने पहुंची तो पानी की तकलीफ से परेशान महिलाओं ने उन्हें खरी खोटी सुना दी और कहा कि पहले वोट मांगते हो, फिर जीतने के बाद अपनी जेबें भरते रहते हो और हमें भूल जाते हो। दरअसल बुधनी से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, इस कारण से वे बुधनी में जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटा कार्तिकेय संभाल रहे हैं। इस दौरान बुधनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें जनसंपर्क के दौरान सीएम की पत्नी साधना सिंह को जनता की नाराजगी झेलना पड़ रही है। वीडियो में जनता उन पर फूल भी बरसा रही है और वही एक बुजुर्ग महिला ने 5 सालों से हो रही पानी की समस्या को लेकर साधना सिंह से सीधे सवाल पूछे हैं और कहा कि जब वोट का समय आता है तो सभी कहते हैं कि हो जाएगा और जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। 5 साल से तो पानी से प्यारा मर रहा है मैडम, क्या करें? हो जाएगा अभी तक तो नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा? अरे अपने यहाँ कंचो पानी का नहीं है, पानी चौदह के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर देश की सियासत पर कब्जा जमाया था। पार्टी को ज्यादातर राज्यों में अभूतपूर्व जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में अपना कब्जा जमाने में नाकाम रही थी। इसलिए अब बीजेपी का खासा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। यहाँ तक कि नेता तो ममता को पटखनी देने के लिए पश्चिम बंगाल से अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की इस मांग को TMC ने पतंगबाजी बताया है, साथ ही शाह को खुली चुनौती दी है। मंगलवार को नपा द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संबंधी रंगोली को बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया। इस दौरान छात्राओं ने नागरिकों से अपने मत की अहमियत को समझने और अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए जागरूक भी किया गया। इस दौरान नपा CMO पवन अवस्थी सहित कर्मचारी मौजूद थे। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि जब तक कोर्ट का दखल नहीं होता है तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती। 2 साल बीतने के बावजूद भी पुलिस एक युवती को तलाश नहीं कर सकी है। उनका कहना है कि तनख्वाह पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद पुलिस का काम नजर नहीं आता है। वही कोर्ट ने ये भी कहा है कि पुलिस सिर्फ वर्दी का रौब झाड़ने में लगी रहती है, जबकि रौब तो काम से नजर आना चाहिए। बताया जा रहा है कि बाणगंगा क्षेत्र की निवासी ट्विंकल डांगरे 2 साल से लापता है और उसे पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। और वहीं परिजन की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने DIG से कहा है कि वे खुद अपनी निगरानी में जांच कराएं और अगली सुनवाई पर बताएं कि इस मामले में कौन सी विशेष जांच दल को गठित करा गया है और जांच का काम कहां तक पहुंचा है। कोर्ट इस मामले में अब 19 नवंबर को सुनवाई करेगी। राफेल डील विवाद का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अपना जवाब सौंपा और अब मंगलवार को द साल्ट के CEO का इंटरव्यू सामने आया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।
केंद्र सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद को लेकर जो भी फैसले लिए हैं उन सभी की जानकारी सोमवार को याचिकाकर्ता को सौंप दी गई है। राफेल विवाद से जुड़ी याचिका वरिष्ठ वकील M.L. शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें इस डील का पूरा इतिहास प्रक्रिया को समझाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनंत कुमार का रविवार को देर रात निधन होने के बाद आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उनकी अंत्येष्टि आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। वहीं उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी के अलावा कई बड़े नेता मौजूद थे। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अनंत कुमार ने रविवार रात करीब 2 बजे अंतिम सांस ली थी। उस समय उनकी पत्नी तेजस्विनी व दोनों बेटियां उनके पास मौजूद थी। वहीं उनके अंतिम विदाई में पीएम मोदी वाराणसी से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और वसावनगुड़ी स्थित अनंत कुमार के घर जाकर उनके पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। वे कुमार की पत्नी तेजस्विनी व बेटियों विजेता व ऐश्वर्या से मिले और उन्हें सहानुभूति भी दी।